पब्लिक टीवी आपकी आवाज। रामपुर से भाजपा प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में शिरकत के बाद आज एक बार फिर अभिनेत्री जयप्रदा रामपुर के प्राचीन रटोंडा शिव मंदिर में शिवलिंग का जल अभिषेक करने पहुंची, जहां उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कि वो हमेशा के तरह यहां आकर शिवलिंग का जल अभिषेक किया और ईश्वर का ध्यान कर मनोकामना मांगी। वहीं मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के लिए सुविधा की व्यवस्था करने की भी बात कही। भाजपा प्रत्याशी जयप्रदा ने साक्षी महाराज के कुलदीप सेंगर जेल में मिलने जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, साक्षी महाराज जी उनको जानते हैं और उनकी जान पहचान भी है, तो गए हैं ऐसे में तो कोई भी मिलने जा सकता है। ये तो मैं कई सालों से इस रटोंडा मंदिर पर शिव जी के दर्शन करने आती हूँ और माथा टेक कर जाती हूँ, और जो भी मनोकामना होता है इस मंदिर में माथा टेकने के बाद पूरा होता है। और ये बहुत प्राचीन मंदिर है और श्रद्धालु बहुत आते हैं यहाँ पे। अभी पंडित जी बता रहे कि और भी जो भक्तालु आते हैं तो उनके लिए सुविधाएं वंचित है, तो उनके लिए भी कमी जो रह गए हैं वो हम पूरा करने के लिए हम प्रयास करेंगे। वो सेवक से मिलने जा सकते हैं? देखिए ऐसा है कि इसमें उनके जो साधु महाराज जी है वो अपने जानते हैं और उनके जान पहचान भी है, तो उनको मिलने गए हैं। इसमें तो कोई भी जा सकते हैं, मिलने में कोई दिक्कत नहीं होती।